हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अब आवाज़ आ रही है। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से यस टाइप करके बता दीजिए ताकि हम हमारा सेशन यहाँ पर में स्टार्ट कर सके। ओके चलिए, गुड। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड गुड आफ्टरनून ऑल जो भी यहाँ पर में विश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे कमेंट आ गए, मैं अब तो पढ़ भी नहीं सकता, इतने सारे कमेंट आ चुके हैं। ओके गुड। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैं स्क्रीन पर देख सकते हो कि आज हम यहाँ पर मैं एक लाइव मॉक टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। ओके तो फ्रेंड्स लाइव मॉक टेस्ट का मतलब क्या होगा ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग एक पेन पेपर लेकर बैठिए साथ में, या फिर आप दिमाग में भी उसको याद रख सकते हो। अगर आपको याद रहता है कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए तो आप माइंड में उसको नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। तो आपको ये 15 क्वेश्चन यहाँ देखने हैं और ये देखना है कि आपने इसमें से कितने गलत किए। उससे आप आपका स्कोर निकालोगे कि आपको 15 में से कितना स्कोर आ रहा है, ओके। और वो स्कोर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। थोड़े देर के बाद में आपको कमेंट लिंक दिखने लगेंगी, तो आप कमेंट कर देना फ्रेंड्स। वहां पर मैं देख लूंगा कि कौन से बच्चे का कितना स्कोर आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, अपने मन में आंसर मार्क करना है और फिर बाद में आंसर देखना है ताकि आपको पता रहे कि आपने सही आंसर मार्क किया था या नहीं, ओके। चलिए, बहुत दिन बाद बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल। आप लोग समझ सकते होगे कि बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसीलिए मैं रोज़ नहीं आ पा रहा हूँ। बाकी लेकिन चलिए, आज का जो सेशन है हम उसको फ्रूटफुल बनाते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है, आप लोग अब समय आ चुका है कि आप उसको एक लेवल ऊपर उठा दें, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, जितने भी हमारे लाइव सेशंस हो चुके उनको देखिए, उनकी नोट्स बनाइए। आप लोग क्या करना, जो चीज़ आपको नहीं आती है, मैं एक मिनट और लूँगा आप लोगों का, तब तक जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो लोग शेयर कर दे। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करना फ्रेंड्स, एक पेपर लेकर बैठना, ठीक है। एक पेपर लेकर बैठना और उस पेपर पर जो भी चीज़ आपको नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपको सपोज कोई चीज़ नहीं आती, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई चीज़ नहीं आती, तो आप क्या करोगे, स्टार बना दोगे और एक्स वाई जेड वो चीज़ को शॉर्ट में लिख दोगे। फिर कोई और चीज़ भी आपको नहीं आती है तो आप क्या करोगे, दूसरा स्टार बनाओगे और उस चीज़ को भी यहाँ पर मैं लिख दूंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके पास में एक छोटा सा नोट तैयार हो जाएगा, 3-4 पेजेस का आपके पास में एक नोट तैयार हो जाएगा और वो पेज आप लोग एग्जाम के सुबह पढ़कर जाना। क्योंकि फ्रेंड्स ये वो नोट्स होंगे जो आपको नहीं आते। हम गलती क्या करते हैं, हम वही सारी चीज़ें बार बार कर रहे हैं जो या तो काम की नहीं है या फिर हमें आ रही है। नो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन करवाते समय मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो जो चीज़ें आपको नहीं पता आप उसको नोट डाउन करके रखना, क्योंकि वही सारी चीज़ें आपको जो नए क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए काम आएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हम हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, 15 क्वेश्चन है और 15 के 15 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, द प्लेस वर्ली इज इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में आता है ये वर्ली, ये आप लोगों को बताना है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। चलिए, आपके पास में 15 सेकंड है, जल्दी से आंसर करो। हाँ बिल्कुल, जो लोग सोशल साइंस के लिए बोल रहे हैं सोशल साइंस के भी लेसन्स मैं लूंगा, ठीक है, जल्दी ही मैं उसके लिए करूंगा। चलिए गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि हमारे देश के अंदर में बहुत सारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है, बहुत सारे ट्रेडिशनल चीज़ें हमारे भारत के अंदर में परफॉर्म की जाती है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप लोग नोट डाउन करते रहना, ठीक है, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग लिखते रहना। वर्ली पेंटिंग के आगे आप क्या करोगे, इस तरीके से महाराष्ट्र लिख दीजिए आपके नोट्स में, ओके। उसके बाद में चिकन एम्ब्रॉयडरी आसान है, लखनऊ याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। पश्मीना शॉल जो है फ्रेंड्स लद्दाख से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप क्या करोगे, लद्दाख आंसर करोगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है फ्रेंड्स कि दोनों यूनियन टेरिटरीज बन चुके, अलग अलग हो चुके, तो दोनों आंसर रहे तो लद्दाख करोगे। अगर दोनों में से कोई एक रहा तो ऑब्वियसली दोनों में से किसी एक को आंसर करना ही है। उसके बाद में पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली जो है फ्रेंड्स अब ये तेलंगाना का पार्ट है, ठीक है, तो ये तेलंगाना के अंदर में आता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आई होप अगर से किसी को लगता है कि नहीं अभी भी आंध्र प्रदेश में है तो वहाँ के लोग मुझे कमेंट करके बता देना। जहाँ तक मुझे आइडिया है अब ये तेलंगाना के अंदर में आता है, तो पोचमपल्ली जो है अब ये तेलंगाना में आता है, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। फिर फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट है, पिथोरा पेंटिंग जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग घोड़े पर सवार होकर आए होंगे ना वो लोग जा सकते हैं कि सर जल्दी जल्दी कराओ, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी करवाऊंगा,
अगर जिसको पढ़ने में इंटरेस्टेड है इंटरेस्ट है वो यहाँ पर मैं रुके, बाकी जिसको जल्दी है वो जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर बच्चों का पेपर क्लियर करवाना है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बताऊंगा। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से रिलेटेड है, नोट डाउन कर लिया आपने। चिकन एम्ब्रॉयडरी लखनऊ से रिलेटेड है। उसके बाद में आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि पश्मीना शॉल जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके से रिलेटेड है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ये याद रखना है आपको। और पिथोरा पेंटिंग मध्य प्रदेश से। बस इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिए, आपका पेपर, आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग निकाल पाओगे। स्टेट पर वीडियो बनाइए, कौन से स्टेट पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं इन आर्ट फॉर्म के ऊपर में, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स आप क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वर्ली, वर्ली कहां पर में है याद करो, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, इसका आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए जितने भी लोगों ने आंसर किया है, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर टू इस तरीके से आंसर करना, क्वेश्चन नंबर टू उसका आंसर ए बी सी डी जो भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि अब तक पांच क्वेश्चन इस टॉपिक पर से आ चुके हैं, पांच क्वेश्चन सेम टॉपिक पर से पांच क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो जल्दी जल्दी से शेयर कर दो, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, ताकि ऐसे ही सेशंस आप लोगों के लिए और आ सके। लास्ट में मैं आप लोगों को एक सरप्राइज भी दूंगा फ्रेंड्स, तो आखिरी तक ये वीडियो को जरूर देखे, मैं बीच में कभी भी वो सरप्राइज आपको दे सकता हूँ। एक है सीक्रेट बात जो मैं आपको लाइव सेशन या वीडियो के बीच में कभी भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर टू, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज, कांसे के बारे में सही कथन आपको बताना है। इट इज एन एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड कॉपर, तो बताओ कि क्या ये जो ब्रॉन्ज है कांसा, क्या ये एक एलिमेंट है, ठीक है, क्या ये एक तत्व है, ठीक है। उसके बाद में इट इज मेड बाय मेल्टिंग कॉपर एंड टीन इन अ फर्नेस, मतलब ये कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ए और बी एक साथ सही नहीं हो सकते, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, या तो ये एक एलिमेंट खुद है या फिर ये एलॉय है, तो ए और बी एक साथ तो सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर टू तो आपका एलिमिनेट हो गया, तो आपको पहचानना है कि ए सही है या बी सही है, बाकी फिर बाद में देखेंगे। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांच क्वेश्चन पूछे जा चुके अब तक, अब मैं पांच क्वेश्चन तो यहां पर मैं नहीं करवा सकता है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है उसके लिए, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको इसमें कहीं डाउट है तो, ठीक है। वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा जिस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर में, पांचों क्वेश्चन हमने वहां सॉल्व किए हैं। ब्रॉन्ज की बनी हुई वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी हुई वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर मैं, हम लोगों ने ब्रॉन्ज के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो जल्दी से मैं बता देता हूं, ब्रॉन्ज जो है वो एक तत्व नहीं है, ठीक है, एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है ये क्या है, एक एलॉय है, ओके, एलॉय है, मिश्र धातु है ब्रॉन्ज। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर ये एलॉय है तो किसी ना किसी दो धातु या अधातुओं से मिलकर बनी होंगी, तो फ्रेंड्स ये मिलकर बनती है कॉपर और टिन से। तांबे और टिन को जब आप एक निश्चित अनुपात में मिलाते हो तो आपको एक नया एलॉय मिलता है जिसका नाम है ब्रॉन्ज कांसा। अब फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज जो है वो हम हजारों सालों से यूज करते आ रहे हैं, इंसानों को हजारों सालों से ब्रॉन्ज के बारे में पता था, और जो आदिवासी लोग हैं वो हजारों सालों से इसका इस्तेमाल अलग अलग चीजें बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ब्रॉन्ज जो है ये सबसे पुरानी एलॉय है जो इंसानों को पता है, इंसान हजारों सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एल्यूमिनियम से भारी होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम से ज्यादा भारी होती है, एल्यूमिनियम हल्का है और ये जो ब्रॉन्ज है ये ज्यादा भारी है। तो भारी कौन सा है, ब्रॉन्ज भारी है या एल्यूमिनियम भारी है, तो भारी कौन है, ब्रॉन्ज ज्यादा भारी है, एल्यूमिनियम हल्का है, ये आपको याद रखना है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। यह एल्यूमिनियम आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, नहीं, ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये तत्व नहीं है, ये एक मिश्र धातु है, इसे कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि कॉपर और टिन से इसको बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि जो ट्राइबल पीपल है वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तु इसकी तुलना में हल्की होती है, नहीं, ब्रॉन्ज भारी होता है एल्यूमिनियम के मुकाबले में, तो यहां पर मैं हल्का बोला है ना, तो ये गलत है, ब्रॉन्ज भारी होता है, ये आपको यहां पर मैं आना चाहिए था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन, बी एंड सी। कितने लोगों ने सही आंसर दिया बता देना मुझे, चलिए कोई बात नहीं, जिनका भी गलत हुआ है और जिनका सही हुआ है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, अब देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव इट्स कोस्ट ऑन बे ऑफ बंगाल, कौन सा स्टेट है जिसकी बाउंड्री के बे ऑफ बंगाल पर टच नहीं होती है।
देखते कितने लोगों ने मैप अच्छे से किया हुआ है। मोहम्मद सुहैब बोल रहे हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मोहम्मद सुहैब जी, आप हमारे जो वीडियोस है सोशल साइंस के वो देखिए, आपका वहां से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव इट्स कोस्ट ऑन बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी से कौन सा राज्य अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा है, नहीं करता पूछा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए मेरे पास में बहुत सारे लोग, अच्छा वीडियो साफ नहीं है ऐसा नहीं है शिखा केसरवानी जी, मेरे तरफ में वीडियो बिल्कुल साफ आ रहा है, ठीक है। मैं भी मोबाइल में देख रहा हूँ और वीडियो बिल्कुल साफ आ रहा है। तो जिनको वीडियो साफ नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने थोड़े समय पहले बे ऑफ बंगाल से टच होने वाले राज्यों के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल जो है वो बे ऑफ बंगाल के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो उड़ीसा भी अपनी बाउंड्री बे ऑफ बंगाल के साथ में करता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो चुके हैं, ये है आंध्र प्रदेश और ये है तेलंगाना। तो आप देखिए आंध्र प्रदेश भी बे ऑफ बंगाल के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तमिलनाडु भी करता है। लेकिन हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि तेलंगाना जो है वो एक लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है। वो कोई भी मतलब चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो चाहे वो अरेबियन सी हो, किसी के भी साथ में अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता, वो बीच में है। ओके, तो इसीलिए फ्रेंड्स बहुत ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन करवाया था उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई कर दिया है, ये चेक करने के लिए कि क्या आप लोग अभी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि शेल्टर के ऊपर में बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरीके के घर कहाँ पाए जाते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि इस तरीके के घर कौन से इलाके में पाए जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है, तो देखते कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर पर मोटी दीवारों, मतलब घर जो है मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों पर मिट्टी से लीपते पोतते हैं, ठीक है। मतलब एक कोई घर है वहां पर में बहुत थिक वॉल होती है और उसको मड से प्लास्टर्ड कर दिया जाता है, पेंटिंग कर दी जाती है, ऐसा आप समझ लीजिए। इन घरों की छतों पर कटीली झाड़ियां होती है, ठीक है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, ये मतलब डिसाइडिंग फैक्टर था, जिसको ये समझ गया वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाता था। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। तो वर्षा कम होती है, बारिश कम पड़ती है और बहुत गर्मी होती है, तो ये घर जो है ये कहाँ पाए जाते होंगे, बताइए। वेरी गुड, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद होगा कि थोड़े समय पहले हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें हमने शेल्टर के बारे में पढ़ा था, अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह के जो घर पाए जाते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि राजस्थान जो कि एक गर्म इलाका है, हॉट डेजर्ट इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ के जो घर होते हैं फ्रेंड्स वो अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर में क्या होता है कि घर जो है वो मिट्टी के बनाए जाते हैं। ओके, यहाँ की जो दीवार होती है उनके ऊपर में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मिट्टी और जो गाय का जो गोबर होता है उससे यहाँ पर में लिपाई कर दी जाती है। और उनकी जो छत होती है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर में हम कटीली झाड़ियों को इस तरीके से छत के ऊपर में डाल देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो लोग अंदर में रह रहे हैं वो गर्मी से बच सके, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप घर बनाते हो तो आप आसानी से इतने गर्म इलाके में भी गर्मी से बच सकते हो, ठीक है। तो राजस्थानी इलाके में क्या क्या होता है नोट डाउन करके रख लो। यहाँ के जो घर होते हैं वो, यहाँ के घरों की जो दीवार होती है वो मिट्टी की मोटी परत से बनी हुई होती है, ठीक है, मिट्टी की दीवारें होती है यहाँ पर में, ये आप लोगों को याद रखना है। इन दीवारों को मतलब हम मिट्टी से लीपते पोतते भी है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। इन घरों की छतों के ऊपर में कटीली झाड़ियां डाल दी जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है इस तरीके से, ठीक है, ये कटीली झाड़ियां डाल दी जाती है। ओके, यहाँ पर में बहुत कम वर्षा होती है और बहुत गर्मी पड़ती है, तो ये कहाँ का होगा, ये राजस्थान का होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान, वेरी गुड। चलिए नाउ फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होगा कि अब तक कई सारे क्वेश्चन झूम फार्मिंग के ऊपर में पूछे जा चुके हैं। करीब करीब फ्रेंड्स 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो झूम फार्मिंग पे अब तक आ चुके हैं, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम की खेती के ऊपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर में लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, देखते कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। कम ऑन फास्ट। पिंकी मिश्रा जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। नो फ्रेंड, जिन लोगों ने लाइक और
शेयर नहीं किया वो जल्दी जल्दी शेयर और लाइक भी करते चले। आखिरी तक वीडियो देखते रहना, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। ओके तो फ्रेंड्स, झूम फार्मिंग के बारे में कौन सी बात यहाँ पर में सही है ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर में। यहाँ पर मैं बोला है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। द बॉम्बू और वीड विच ग्रो ऑन द लैंड आर कट एंड बर्न, ठीक है, जो भूमि पर उगने वाले बांस और खरपत होते हैं उनको काट कर जला दिया जाता है, ठीक है। द लैंड इज डीपली प्लव्ड बिफोर सोविंग द सीड्स, ठीक है, बीज को बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई की जाती है। एक खेत में तीन चार भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, जिसको एक चीज भी पता है ना यहाँ पर में, सिर्फ एक चीज, वो बड़ी आसानी के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल यहाँ पर में नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि झूम फार्मिंग जो है बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग है, यहाँ पर में किसी भी तरीके के रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर में गहरी खुदाई नहीं की जाती, बहुत ही हल्के हल्के से प्लफ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ जहाँ है, वैसे तो ऑप्शन नंबर 4 में ही था, तो वो भी कैंसिल हो जाता अगर आपको पता होता तो। उसके बाद में ये जो तीन चीज़ें बच जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, कि एक फसल काटने के बाद में हम उसको छोड़ देते हैं, ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि एक बार अगर हमने फसल उगा दी है तो हम उसको कई साल के लिए, कुछ सालों के लिए उनको छोड़ देते हैं जैसे कि वैसे। तो जिसमें ए नहीं है वो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब पूरा का पूरी जो बात आ जाती है फ्रेंड्स, वो आ जाती है ऑप्शन नंबर डी के ऊपर में, कि ऑप्शन नंबर डी सही है या नहीं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो झूम कल्टीवेशन क्या होता है फ्रेंड्स? झूम कल्टीवेशन जो है वो जनरली जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ठीक है, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम, उधर के जो स्टेट्स है वहाँ पर में ये खेती परफॉर्म की जाती है। जनरली क्या होता है कि इस तरीके का एक लैंड चूज किया जाता है, वहाँ पर में जो भी झाड़ वगैरह है उनको काट दिए जाते हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर में जो झाड़ है उनको ऐसा काट दिया जाता है। फिर जो भी चीज़ें बच गई है उनको जला दिया जाता है। देख सकते हो आपके ऊपर ऊपर से काट दिया, और ये जो बच गया चीज़ें हैं, जो नीचे का जो बच गया ना, झाड़ को ऊपर से तो काट दिया, जो नीचे की चीज़ें बच गई है उसको यहाँ पर में जला दिया जाता है, और इसकी जो राख है उसको फैला दी जाती है ताकि इसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर की तरह कर सके, ठीक है, मतलब मैन्योर की तरह यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सके। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसको डीपली प्लफ नहीं किया जाता, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से गड्ढे खोदे जाते हैं और उसके अंदर में बीज बो दिए जाते हैं। एक तो तरीका होता है छोटे छोटे गड्ढे खोदना, और एक होता है बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदना। तो डीपली प्लफ नहीं किया जाता, छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं, लाइटली डिग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार जब आपने क्रॉप यहाँ पर में उगा दिए तो कुछ सालों के लिए इसको ऐसे के इसे छोड़ दिया जाता है, मतलब आपने एक बार यहाँ पर में फसल उगा दी तो थोड़े समय के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर कुछ सालों के बाद आकर फिर से वापस यहाँ पर में खेती करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए था फ्रेंड्स। यहाँ पर में किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखिए यहाँ पर मैं ये आप लोगों को समझ गया कि एक कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर में इसको थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है ना। द बॉम्बू और वीड विच ग्रो ऑन द लैंड आर कट एंड बर्न, ठीक है, मतलब उसको काट दिया जाता है और बर्न कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर में दिखाया। यहाँ पर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर में झाड़ थे इनको यहाँ काट दिया गया है, और जो बची हुई चीज़ें थी उनको यहाँ पर में जला दिया गया है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, काट दिया जाता है और जला दिया जाता है। द लैंड इज डीपली प्लफ्ड, डीपली नहीं किया जाता, ठीक है, बहुत ही गहरा इसको नहीं खोदा जाता है, ठीक है, कहा गया गहरी जुताई नहीं की जाती, तो ये वाला पॉइंट गलत है। इन वन फार्म 3 or 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग घूम घूम कर खेती करते हैं। अब साल भर एक ही चीज़ तो खाएंगे नहीं वो लोग, है ना, तो वो क्या करते हैं, एक ही खेत के अंदर में 2 से 3 4 प्रकार की जो खेत चीज़ें हैं वो उगाते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग अलग अलग चीज़ें अपने इस्तेमाल के लिए उगा सके, खाने के लिए उगा सके। तो पॉइंट नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो पॉइंट नंबर ई गलत है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1 A, B and D, ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि खाने के ऊपर में बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। थैंक यू पिंकी मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच।
चलिए, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी दो। बॉइल्ड टैपियोका, ठीक है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, टैपियोका मतलब फ्रेंड्स वो आई थिंक शायद साबुदाने जैसा कुछ तो भी होता है, वो उसकी बनी हुई जो चटनी होती है वो खाया जाता है, तो ये कौन से क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बताओ जल्दी से, कौन से क्षेत्र में खाया जाता है ये? कई बार हम लोग इसको रिपीट कर चुके हैं। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग को, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, ठीक है, जो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है एडुटैप ने, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी लिस्ट में से आएगा, ठीक है। पूरी की पूरी जो लिस्ट है जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है वो आप लोगों को यहाँ पर में दे दी गई है। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग हैं जो आपको 100 तरीके की चीज़ें पढ़ाते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन फ्रेंड्स बस आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। हांगकांग में सांप खाया जाता है, ये आप लोग नोट डाउन करके रखिए, लिंग हु फैन जिसको कहा जाता है। कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल के अंदर में बनी हुई मछली खाई जाती है। गोवा में कोकोनट ऑयल में पकी हुई मछली खाई जाती है, ठीक है, नारियल के तेल में पकी हुई मछली। केरल के अंदर में क्या होता है? टैपियोका और कोकोनट से बनी हुई जो चटनी या फिर कड़ी जो होती है वो खाई जाती है। तो टैपियोका जहाँ भी आपको दिख जाए तो आप क्या आंसर लगाओगे? आप केरला को आंसर लगाओगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन और पूछा गया था आप लोगों से एग्जाम में कि ढोकला और चटनी लेमन राइस ये कहाँ खाया जाता है, तो ये गुजरात में खाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सारी चीज़ों को ही आप लोग याद रखिए, इसी के इर्द गिर्द आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, केरला। तो नारियल तेल में डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका, टैपियोका जहां भी दिख जाए उसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, टैपियोका जहां भी आ जाए वहां पर में केरल को मार्क करेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि टैपियोका कहां उगाया जाता है, तो कहां उगाया जाता है ये भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसका भी आंसर केरला है, ठीक है। तो टैपियोका मतलब केरला, यहां लिख देता हूं मैं, लिख लो टैपियोका, ठीक है, जहां भी आया उसका मतलब है केरला, बस इतना आप लोग याद रखिए, आपका आंसर सही होगा। नाउ फ्रेंड्स, मधुबनी पेंटिंग के ऊपर में अब तक 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे इस मॉक टेस्ट के अंदर में भी हम लोग देख लेते हैं कितने लोगों ने यहां पर में इस चीज को पढ़ा हुआ है। कम ऑन फास्ट, पिंकी मिश्रा जी आपका मुझे कमेंट समझ नहीं आया, प्लीज़ एक बार फिर से लिख दीजिए। बिल्कुल साधना तिवारी जी, SST का भी मैं क्लासेस करवाऊंगा जल्दी, बिल्कुल आने वाले मंगलवार के दिन आपका SST का क्लासेस होगा। नाउ फ्रेंड्स, मधुबनी पेंटिंग के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है कि ये क्या है, ये बिहार से बिलोंग करता है, बिहार में एक ज़िला है मधुबनी नाम का, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैथिली जो एरिया है बिहार का, वहाँ पर में मधुबनी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर में ये पेंटिंग बनाई जाती है, वहाँ के नाम से ही इस पेंटिंग का नाम मधुबनी रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर में फ्रेंड्स जो है नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए हमने कलरफुल पेंटिंग्स भी लगाई है, ऐसे ही पूरे कोर्स के अंदर में भी आप लोगों को कलरफुल पेंटिंग्स के साथ में डायग्राम्स के साथ में पढ़ाया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर मैं फ्रेंड्स कलरफुल जो कलर है वो नेचुरल कलर होते हैं, लीफ फ्लावर एनिमल बर्ड, यहाँ से ये कलर लिए जाते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पर मैं जो कलर है फ्रेंड्स ये इंडिगो, मतलब जो आपका नील होता है ना, आई थिंक हिंदी में नीली बोलेंगे ना इंडिगो को, एक बार मुझे कन्फर्म कर देना कि इंडिगो को नीली कहा जाता है ना। उसके बाद में टर्मरिक और जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं वहाँ से ये कलर आप लोगों को मिल जाते हैं आसानी के साथ में। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अलग अलग तरह के पेस्ट भी इसके ऊपर में लगाए जाते हैं ताकि इस पेंटिंग को और ज़्यादा उभार दिया जा सके और अच्छा दिखाया जा सके। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि बिहार से बिलोंग करता है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें हम फूल पेड़ पौधे एनिमल, ठीक है, इनको यहाँ पर मैं दिखाते हैं, ह्यूमन को दिखाते हैं। यहाँ पर मैं नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है और ये कलर हमें इंडिगो टर्मरिक और नेचुरल फ्लावर से मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, चलो एक एक करके अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इन चित्रों को बनाने में नील हल्दी फूल पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इंडिगो टर्मरिक कलर फ्लावर से मिलने वाले कलर का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग एनिमल्स ट्री फ्लावर, यहाँ पर मैं देखो
ह्यूमन, फिश, फ्लावर, पेड़, ये सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड इज नेम आफ्टर द प्लेस मधुबनी, मधुबनी के नाम पर रखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मधुबनी इज़ अ वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, ना कि राजस्थान, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जिसको ये पता था वो आंसर कर पाता। मैंने कई बार ये क्वेश्चन करवा चुका है और फ्रेंड्स इसके ऊपर में अब तक 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को एक बार कहीं दिखा चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो यह पक्षी कौन हो सकता है, बताओ जल्दी से। आसिफ कुरैशी जी, अराउंड 2 महीने हो गए हैं जब से क्लासेस स्टार्ट हुई है 2019 दिसंबर के लिए। पिंकी मिश्रा जी, बिल्कुल मैं इसके ऊपर मैं देखूंगा। आप एक काम करना, आप जो हमारा कोर्स है उसके अंदर में भी एक बार वहाँ पर मैं डिस्कशन फोरम पर डाल देना, ताकि मेरे मुझे ध्यान में रहे। वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया, आप लोगों को आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे बर्ड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ ये देना चाहता था फ्रेंड्स, कि आपको वीडियो ख़त्म होने के 30 मिनट्स के अंदर में इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाने वाली है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब आप लोग वहाँ से पढ़ लेना, बुलबुल के बारे में, रॉबिन क्रो, इस सब के बारे में, ठीक है। उसके बाद अच्छा, पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, पीडीएफ जो है फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और साथ ही फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपका वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, लाइव सेशन खत्म होने के 30 मिनट के बाद में, आधे घंटे बाद आकर आप देखना, आपको वीडियो के नीचे में भी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना कि पीडीएफ वाला आइडिया आपको कैसा लगा है। ओके, चलिए हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ पर मैं हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पक्षी है जो ऊंची पेड़ की ऊंचाई पर जाकर अपना घोंसला बनाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर मैं देखा हुआ था फ्रेंड्स कि कौआ, जिसको हम इंग्लिश में क्रो कहते हैं, ये क्या करता है, अपना घोंसला वायर, वुड, ग्रास, ट्विग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों से बनाता है, मतलब पत्तियों से, उसके बाद में जो घास होती है, ओके, वायर वगैरह जो होते हैं उन सब से मिलकर ये अपना घोंसला बनाता है। और ये अपना घोंसला बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर बनाता है, ताकि कोई उसके घोंसले को नुकसान ना पहुंचा सके, जैसे कि आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो। तो पेड़ की ऊंचाई, ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है कौआ। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कभी भी वापस से एक बार और रिपीट होकर आप लोगों से पूछा जा सकता है। डोला मीना जी, अभी मैंने बताया कि पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधे घंटे बाद मिल जाएंगी, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव कम फ्रॉम अ विलेज, ठीक है, मैं एक गाँव से आया हूँ, हमारे गाँव में अत्यधिक वर्षा होती है, हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट, मतलब 3 साढ़े 3 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, तो बताओ ये घर कहाँ मिलेंगे, या ये गाँव कहाँ होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अंकिता गुप्ता जी। पिंकी मिश्रा जी, आपने कोर्स कोर्स के अंदर में डिस्क्रिप्शन फोरम होता है, वहाँ पर मैं, आप एक बार कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर मैं मुझे मिल जाएगा। मीनू ढिल्लो जी, मेरे मेरे टेलीग्राम के ऊपर नहीं, आपको टेलीग्राम जो नंबर है ना, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में है, जो कॉलिंग का नंबर है ना, वही टेलीग्राम नंबर भी है। चलिए, बिल्कुल, बहुत सारे कमेंट है, ऊपर चले गए, किसी का कमेंट रह गया हो तो वापस से कर देना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आसाम। हम लोगों ने देखा हुआ है फ्रेंड्स कि आसाम के इलाके में क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, इसीलिए घर में बारिश पानी घुस ना जाए, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर में जो घर होते हैं वो 3 साढ़े 3 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, कभी कभी ये 10-12 फुट भी दिया जा सकता है, तो 3 साढ़े 3 मीटर या 10-12 फुट एक ही बात है, ठीक है। और ये घर कहाँ पाए जाते हैं, ये आसाम के इलाके में पाए जाते हैं। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, बस आप लोग ये सब याद रखिए, कौन सी चीज़ है, हैवी रेन होती है,
3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ताकि फ्लड से बचाया जा सके, बाढ़ से, और ये घर आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में बनाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, ठीक है, आसाम, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर मैं इसको छोड़ देना, ये है आसाम है इसका ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते, ये क्वेश्चन कितने लोगों को याद है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियां तथा बहुत सी श्रमिक मधुमक्खियां होती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ जल्दी से। दिनेश दुआ जी, वेरी गुड। एम एच रहमान जी, आपका कमेंट फिर से दिख दीजिए, वो बहुत स्पीड में कमेंट ऊपर जा रहे हैं तो मैं देख नहीं पाया आपका कमेंट। मोहम्मद शोहेब जी, बिल्कुल मैं हिस्ट्री का भी वीडियो बनाऊंगा। अविनाश सिंह जी, आप वीडियो बाद में देख सकते हो, इससे ज़्यादा स्पीड और क्या जाया जाए। चलिए, हनी बीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो लीची के जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, लीची के जो फूल होते हैं वो हनी बी को अपने तरफ में अट्रैक्ट करते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर में देख सकते हो, एनिमेशन के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की गई है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि ये हनी बी क्या करती है, मधुमक्खियाँ इनमें से ये जो रस है ये निकाल लेती है और इस तरीके से बाल्टी में भरकर नहीं लेके जाती ऑब्वियसली, ठीक है, अपने चोंच में भरकर लेकर जाती होगी शायद, तो ये इस तरीके से आप जो ये जो रस है, ठीक है, मधु जो है वो ले जाकर अपने छत्ते में जमा करती है इस तरीके से, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि लीची के फ्लावर की तरफ में ये अट्रैक्ट होती है। नाउ फ्रेंड्स, ये मधुमक्खियाँ अंडे कब देती है, तो सबसे अच्छा समय मधुमक्खियों के लिए अंडे देने का है वो है अक्टूबर से दिसंबर का समय, ठीक है, ठंडी का जो मौसम होता है तब यहाँ पर मैं मधुमक्खियाँ अंडे देती है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है फ्रेंड्स कि अंडे सारी मधुमक्खियाँ नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ जो रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है, एक क्वीन बी होती है रानी मधुमक्खी, वही सिर्फ अंडे देती है, वो रानी होती है, वो अंडे देती है, बाकी की मधुमक्खी अंडे नहीं देती। और ये अंडे कब देती है, क्वीन बी भी अंडे कब देती है, दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो कभी अगर आपको मधुमक्खी पालन करना है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में आप रहते हो और आपको मधुमक्खी पालन करना है तो सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो ऑब्वियसली जब वो अंडे देती है तभी सबसे अच्छा समय उनको पालने का, ताकि आपके पास में बहुत सारे अंडे जमा हो जाए, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन का, क्योंकि ये इस समय में अंडे देती है, सिर्फ और सिर्फ रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ओके। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि रानी मधुमक्खी जो है वो अंडे देती है और बाकी की जो मधुमक्खियाँ होती है वो वर्कर बीज होती है, मतलब काम करने वाली, और ये काम भी कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल होती है ना वो काम करती है, ठीक है, और जो मेल होते हैं वो काम नहीं करते, जो मेल बीज होती है वो कोई भी रोल उनका वर्किंग में नहीं है, वो शायद से क्वार्टर लगाकर बैठे रहते होंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे देश में ज़्यादातर जगह पर होता रहता है, और यहाँ पर में जो काम है वो कौन करता है, वो फीमेल करती है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर से आपका क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा ये डिसाइड हो सकता है। तो कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है आपको, लीची का फ्लावर जो है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसके बाद में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रानी मधुमक्खी अंडे देती है, और जो बाकी की फीमेल मधुमक्खियाँ हैं वो क्या है, वो वर्कर है, मेल जो है वो कोई काम के नहीं है, अलाल है, ठीक है, मेरी तरह, हाँ, मतलब हम बाकी के जो मेल है उन सब की तरह, ठीक है। तो प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है, बाकी मतलब कुछ नर मधुमक्खी और बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा कथन सही है, वर्कर बी फ्लाई अराउंड इन सर्च ऑफ नेक्टर, ठीक है, मतलब मधुमक्खियाँ फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती रहती है, बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो कि ये चारों ओर, मतलब फूल के चारों ओर उड़ती रहती है ताकि उनको रस मिल जाए, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, वर्कर जो बीज होती है, श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर उड़ती है और वहाँ से रस जमा करती है। मेल बीज डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू, जो नर मधुमक्खियाँ होती है मेल, उनका कोई काम नहीं होता, वो बस आराम से बैठे रहते हैं अलाल की तरह, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, मेल का कोई काम नहीं होता, सिर्फ काम कौन करती है, फीमेल करती है। द क्वीन बी ले एग्स, बिल्कुल सही है ना, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। वर्कर बीज आर फीमेल ओनली, ये भी बिल्कुल सही है कि हमारे देश में वैसे भी महिलाएं जो वो बहुत ज़्यादा मेहनती होती है, तो यहाँ पर में भी महिला ही मेहनती है, तो वर्कर बीज आर फीमेल ओनली, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जहाँ भी तीन है उसको काट दो, तो सॉरी जो जहाँ जहाँ दो है उसको काट दो, यहाँ दो है, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, आपसे पूछा क्या गया यहाँ पर में, सॉरी ये यहाँ पर में ये सही है, ठीक है, ये भी मेल बी डू नॉट हैव एनी वर्क, ये बिल्कुल सही वाला है, ठीक है, ये गलती से मैंने काट दिया था,
ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3, 4, सभी के सभी यहाँ पर में जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? एक सेकेंड, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ओके चलिए, ये है हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 10वें नंबर का क्वेश्चन, मैं भूल गया कौन से नंबर का क्वेश्चन था। आई थिंक नंबरिंग में यहां पर मैं कुछ गड़बड़ हो गई है। एक सेकेंड जस्ट, ओके चलिए, ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। ये हमारा, मैं इसको नंबरिंग देना भूल गया हूं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा नंबरिंग कंसिडर कर देना, ठीक है? ये आपका बोनस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था आप लोगों से, जुलाई 2019 के एग्जाम में। अब मैं यहां पर मैं इसीलिए करवा रहा हूं ताकि कुछ लोग जो है जिनको ये क्वेश्चन नहीं जम समझते इस तरीके के क्वेश्चन, वो जम जाए। मैं पढ़कर सुना देता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ में बनाते चलिए। यू आर लोकेटेड एट एक्स, ठीक है, आप एक्स एक्स पर स्थित है, मतलब एक्स नाम की कोई जगह है, आप वहां पर में खड़े हो। आपका विद्यालय वाई वाई पर स्थित है, ठीक है, वाई नाम की कोई तो भी जगह है, वहां पर में आपका स्कूल है। आपके घर से आपके स्कूल तक जाने के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है, तो आपको यहां पर में ये बनाना है, मतलब रास्ता बनाते चलना है। तो मैं आपको 30 सेकेंड का समय दे रहा हूं, आप लोग इसको पढ़िए और आपके पेपर पर बनाइए कि कैसे कैसे ये रास्ता फॉलो हो रहा है, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। अच्छा, कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है। नाहिद नदीम जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नाहिद नदीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोनाली राजपूत जी, वेलकम। अच्छा, राजेंद्र कौर जी पूछ रहे कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं हूँ नागपुर से, महाराष्ट्र। तो कोई हो अगर नागपुर में तो आइए कभी मिलने। चलिए गुड, तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ये हिंदी वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? अब आप यहाँ पर मैं फोकस कीजिए, हम इसको बनाएंगे कैसे। आपको क्या बोला है, आप एक्स नाम की जगह पर स्थित हो, ये आपका घर है, मान लीजिए ये आपका घर है। फिर क्या बोला है, आपकी स्कूल वाई नाम की जगह पे है, तो आपको वाई तक पहुंचना है। तो देखिए कैसे पहुंचेंगे हम। सबसे पहले क्या बोला है, यू फर्स्ट गो गो टू ए विच इज 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ एक्स, मतलब आपको 30 मीटर नॉर्थ में जाना है, उत्तर की तरफ में जाना है। तो आप एक्स पर हो तो 30 मीटर नॉर्थ पर चले जाओ, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप ए पर पहुंच जाओगे। तो देखिए 30 मीटर हम ऊपर गए तो हम ए तक पहुंच गए, ठीक है? फिर उसके बाद बोला है ए टू ए विच इज 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ एक्स, देन गो टू बी विच इज 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ ए। तो मतलब ए के आपको कितना जाना है, 40 मीटर वेस्ट में जाना है। तो आप जाओ यहां से 40 मीटर वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या होता है, पश्चिम की दिशा। तो आप 40 मीटर यहां पर में जाओ, यहां पर में आप पहुंच गए बी तक, ठीक है? ये आपका घर था एक्स नाम का, पहले आप ए तक गए 30 मीटर, फिर आप गए यहां से 40 मीटर वेस्ट में, फिर आपको कहां जाना है, देन गो टू सी विच इज 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ बी, मतलब आपको और ऊपर जाना है 30 मीटर। सॉरी, यहां पर मैं 1 मिनट इसको मिटा देता हूं, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आपको 30 मीटर नॉर्थ में जाना है, तो आप कहां पहुंच जाओगे, सी में पहुंच जाओगे यहां पर में, इस तरीके से। उसके बाद में और बी, एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ सी, मतलब आपको और वेस्ट में जाना है 40 मीटर, इस तरीके से। तो आप यहां पर में वाई पर पहुंच गए हो, ठीक है? यहां पर में आप समझ लेना कि यहां पर में है वाई, और ये कितना मीटर गया, 40 मीटर गए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप आपके स्कूल तक पहुंच गए। तो आपको बताना था कि आप विथ रिस्पेक्ट टू यूर स्कूल द करंट लोकेशन ऑफ यूर हाउस इज, आपका घर कहां पर में है विथ रिस्पेक्ट टू यूर स्कूल, आपकी स्कूल यहाँ है तो आपका घर कौन से डायरेक्शन में है। तो आप देखो फ्रेंड्स, आपके घर के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको साउथ में जाना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा ईस्ट में, ठीक है? तो साउथ और ईस्ट में जाना पड़ेगा आपका घर। विथ रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करंट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस पूछा है, ना कि योर स्कूल। तो ये जो जिसने भी ये क्वेश्चन किया है ना, वो गलत था, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नहीं है आंसर, आपके घर की डायरेक्शन पूछी है यहां पर में। तो आपका घर कौन से डायरेक्शन में है, साउथ में है और ईस्ट में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2,
ठीक है, साउथ ईस्ट क्यों होगा यहाँ पर मैं साउथ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे आपके घर का पता पूछा गया है, ठीक है, ना कि आपके स्कूल का, ठीक है। तो जिन बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत करके आया था और उनका एक मार्क फ्री में चला गया, जबकि क्वेश्चन इतना ईजी था। यहाँ पर मैं आपसे घर के बारे में पूछा गया है, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, विद्यालय के सापेक्ष में आपके घर की सही दिशा क्या है, घर की दिशा बतानी है, तो घर की दिशा कौन सी है, पहले साउथ में आओ फिर ईस्ट में जाओ, तो साउथ ईस्ट सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो बता देना, नहीं समझ में आया तो भी बता देना। सॉरी, इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो है साउथ ईस्ट है, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर आना चाहिए था, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तीन क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, तीन क्वेश्चन यहां से आ चुके अब तक, कम ऑन फास्ट। सुष्मिता राउत, आपको कैसे पता चला नॉर्थ से स्टार्ट, मुझे कैसे पता चला, तो देखिए यहां पर मैं बोला है विथ रिस्पेक्ट टू योर स्कूल, आपके स्कूल के सापेक्ष में, विद्यालय के सापेक्ष में बोला है, तो आपका विद्यालय कहां पर में है, आपका विद्यालय है यहां पर में, तो आपके विद्यालय को पॉइंट मानना है आपको, ये आपका बेस पॉइंट है, ठीक है। इससे आपके घर की दिशा कौन सी है, तो आपके घर की दिशा कौन सी है ना, दक्षिण पूर्व के अंदर में ही तो है आपकी दिशा, आपके घर की दिशा, अभी आप आपके स्कूल पे खड़े हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपके घर कहां पर में होगा, दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर में आपका घर होगा यहां पर में, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया आपको। टाइम वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, अच्छा वो आप लोग ट्रेन वाले पूछ रहे होंगे, ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा, जल्दी जल्दी चलो कर रहे हैं भाई, जिनको दिख नहीं रहा है वो थोड़ा स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ा लेना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहां पर मैं बोला है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए, तो यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, क्या यह सही है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी होती है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में से उस गहराई तक पहुंच जाती है जब तक कि पानी ना मिल जाए, मतलब मान लीजिए कि ये जड़े है, तो जड़े जो है वो अंदर अंदर तक जाती रहती है जब तक कि उसको पानी मिल ना जाए, तो क्या ये सही है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो क्या ये सही है। चलिए, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, डेजर्ट ओक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, मैंने आपको बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसके ऊपर में भी एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि कहाँ पाया जाता है डेजर्ट ओक, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स, इसकी जो जड़े है, ठीक है, वो इसके हाइट के मुकाबले में 30 टाइम्स नीचे तक जा सकती है, अगर ये एक्स है तो इसकी जो जड़े है ये 30 गुना नीचे तक जा सकती है, 30 गुना नीचे तक जा सकती है, उसके बाद में ये जब तक अंदर तक जाती रहती है जब तक कि इसको पानी ना मिल जाए, मतलब जड़े जो है वो अंदर 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 जंदर जाती रहेंगी जब तक कि इसको पानी ना मिल जाए, ठीक है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, पानी की कमी होती है, तो अंदर तक इसको जाना पड़ता है, फिर ये जड़े जो है वो पानी लेकर ऊपर आती है और इसका जो ये तना है, ठीक है, ये जो ट्रंक है इसके अंदर में पानी जमा हो जाता है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर में पाइप डालकर, ठीक है, इसके तने में पानी डालकर पानी को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यह पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक पहुँच जाती है जब तक पानी न मिल जाए, बिल्कुल सही है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ए बी सी सही है, बी के बारे में अभी हमें फिलहाल में नहीं पता, ठीक है, तो ए बी सी सही होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स, इसकी जो जड़ें है ये ब्रांचेस से लटकी हुई नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं भी पता होता तो भी आप आंसर लगा देते, क्योंकि आपको पता है कि ए सही है, आपको पता है सी सही है, आपको पता है डी सही है, और ए बी सी सॉरी ए सी डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर 4 में, समझ आ गया ये। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन स्पेशली कौन था, ये आयुष सिंह के डिमांड पर, ठीक है, आयुष सिंह जी आपके डिमांड पर, ठीक है, अभी उन्होंने बोला कि बनियन ट्री के बारे में बता दो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनियन ट्री के ऊपर में, बनियन ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स ऑफ बनियन ट्री, बनियन ट्री के बारे में कौन सा कथन यहां पर में सही नहीं है, ये आपको बताना है, नॉट बोला है, ठीक है, नहीं बोला है, तो नहीं बताइए कौन सा गलत है यहां पर में। पार्थ मिश्रा जी, स्पीड कम है, अब क्या करे जाए, आप कोई सोल्यूशन है आपके पास में मेरी स्पीड बढ़ाने का, रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, ठीक है, क्या ये सही है बनियन ट्री के बारे में, इट हैज़ लाइफ स्पैन ऑफ 2000 ईयर्स, क्या इसका ये 2000 साल तक जिंदा रहता है, इट्स लीफ बार्क सीड हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज, मतलब इसकी जो पत्तियाँ होती है, इसके जो बीज होते हैं, इसके जो तना होता है, इन सभी की मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यूज को हिंदी में क्या बोलेंगे हम,
मतलब कि दवाइयाँ बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है. रूट प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज लाइक पिलर, क्या ये सही है? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. रुपिंदर कौर, दानिश सर, तो क्या बोलना चाहते हो रुपिंदर जी आप? ओके, तो फ्रेंड्स देखिए बनियन ट्री के बारे में आप लोगों ने कई बार देखा होगा बनियन ट्री में, और कई लोगों ने तो इस तरीके के झूले झूले भी होंगे. मैंने तो झूले हैं, आप लोगों में से कितने लोगों ने झूले पता नहीं. ठीक है, तो इसका जो लाइफ स्पैन है फ्रेंड्स वो 200 साल का होता है, ना कि 2000 साल का. ये आप लोग याद रखिए, 200 साल का होता है. ठीक है, 200 साल. उसके बाद में हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ ओल्ड बनियन ट्री आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री. ये जो लटकी हुई ट्रीज आप, ये ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है ना फ्रेंड्स, ये क्या है? ये है आपकी जड़े है, ना कि ये इसकी ब्रांचेस है, ये जड़े है. जड़े जो है वो लटकी हुई होती है. तो ये आपको याद रखना है, हैंगिंग ब्रांचेस आर दी रूट्स. जो लटकता हुआ दिखाई दे रहा है ये उसकी जड़े है. जो जड़े है फ्रेंड्स वो जब तक अंदर तक जाती रहती है जब तक कि यहाँ तक पहुँच ना जाए, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में यहाँ पर में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल वो नीचे 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 तक आते रहती है यहाँ पर में इस तरीके से. ठीक है, वैसे यहाँ पर में कोशिश पूरी की गई है कि आपको डायग्राम के साथ में अच्छे से समझाया जा सके, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये याद रखना, डायग्राम आप लोग की नीचे तक जाती है. उसके बाद में ये जो रूट्स, ये जो नीचे है, ये नीचे तक पहुंच गई तो फिर ये पिलर की तरह ये झाड़ को सपोर्ट देती है, ताकि ये झाड़ जो है वो एक तरफ झुक ना जाए. तो सपोर्ट देती है ये जड़े, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, मतलब इसके तने से, इसके पत्तियों से, इसके बीज से हम बहुत सारे डिजीज को क्योर करते हैं, जैसे कि डायरिया, डेंटल डिजीजेस. कई लोगों ने आपने देखा होगा कि इसके इसके जो लकड़ी होती है उससे दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, यूरिन डिसऑर्डर किसी को है तो वो इसका जो रस होता है, इसकी जड़ों का जो रस होता है उसको पीते हैं. चलिए आते हैं वापस. रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, बिल्कुल सही है. अभी देखा कि रूट्स जो है वो ब्रांचेस से लटकी हुई होती है. इट हैज लाइफ स्पैन ऑफ 2000 साल, नहीं ये गलत है. ठीक है, 200 साल का होता है. तो आपको आपका सही आंसर मिल गया, आंसर है ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, उसके बाद में लीफ बार्क सीड्स के मेडिसिनल वैल्यू होती है. ठीक है, सही है. उसके बाद में रूट प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज लाइक पिलर. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि देखो पिलर की तरह सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपसे पूछा था कौन सा गलत है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. तो ये जो सेकंड वाला है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं 2000 की जगह 200 आना चाहिए था. ठीक है, हिंदी में तो एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर जो है ना मुझे हिंदी में नहीं मिला इस क्वेश्चन का, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में टाइप कर दिया है, लेकिन बाकी के क्वेश्चन तो हिंदी में है. ठीक है, नसीरा बेगम जी आप मंडे के दिन कॉल करना, क्योंकि आज तो हाफ डे है, ऑफिस बंद हो चुका है. मंडे के दिन कॉल कीजिए, मंडे के दिन कॉल लग जाएगा 10 के बाद में. वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2. आई होप सभी लोगों ने सही लगाया. नाउ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट जुलाई का जो पेपर हुआ था अभी 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और सेम तरीके का क्वेश्चन पेपर 2 में भी आया हुआ था साइंस में. मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूंगा. आसिफ कुरैशी जी, आशिफ कुरैशी जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अब तक कराया है वो कर लीजिए, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, उसी में से पेपर आएगा श्योर. सोहराब अली जी, अभी तो क्लास का टाइमिंग मुझे भी नहीं पता है जब से टाइम टेबल चेंज हुआ है. चलिए, भूमेश मंडल के गाँव में भी झाड़ है बनियन ट्री का, वेरी गुड. चलिए तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम पेट्रोल में, मतलब ज़मीन में से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं, मान लीजिए कि सऊदी अरब में आप चले गए या दुबई में आप चले गए, वहाँ पर मैं आपने कुआं खोदा और वहाँ से पाइप में से मोटर लगा के आपने बहुत सारा तेल निकाल लिया, तो डायरेक्टली आप इस तेल को आपके गाड़ी के अंदर में भर नहीं सकते, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम निकला है, ठीक है, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकला है इसमें सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. फिर आपको क्या करना है, उसको प्यूरीफाई करना है, मतलब उसको फिल्टर करना है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग करनी है. तो जब आप ये तेल निकालोगे ज़मीन के अंदर में से, तो इसमें से क्या क्या निकलेगा, इसमें से पेट्रोल निकलता है, ठीक है, जो आप गाड़ी में डालते हो, इसमें से केरोसिन निकलता है, इसमें से डीजल निकलता है, ये तीन चीज़ें तो आपको पता होंगी इसी में से निकलती है. उसके बाद में जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है ना, आप लोग आपके साइकिल में लगाते थे बचपन में, आपके आप बाइक में, आपकी कार में भी लगाते हो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, कई बार मशीनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये भी इसी में से निकलता है. पैराफिन वैक्स, ठीक है,
जो ना वैसलीन के अंदर में और कैंडल वगैरह के अंदर में इस्तेमाल होता है वैक्स, वो भी इसी में से निकलता है। बिट्यूमिन जो कि हम रोड बनाने के लिए पेंटिंग के अंदर में इस्तेमाल करते हैं, बिट्यूमिन ये भी इसी में से निकलता है, पेट्रोलियम के अंदर में से ही। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। तो ग्रीस, ग्रीस जो है फ्रेंड्स आपको पता है एक तरीके का ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है ना ग्रीस, तो ये तो मिलता है। ओके, डीजल भी मिलता है, वैक्स भी मिलता है। कोल जो है, कोयला, वो पेट्रोलियम में से नहीं निकलता। नाउ फ्रेंड्स ये जो कोयला है ना, ये इसकी अलग से खाने होती है। आपको पता, आप लोगों को पता होगा कि हमारे महाराष्ट्र सॉरी हमारे इंडिया के अंदर में भी बहुत सारी जो है कोयले की खदानें हैं, वहाँ से सिर्फ कोयला निकाला जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उधर साइड में बहुत सारी कोयले की खदानें मिलती है। विदर्भ के इलाके में, मध्य प्रदेश में बहुत सारी कोयले की खदानें हैं। ठीक है, तो जो कोल है या जो कोक है वो क्या है फ्रेंड्स, वो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, अलग तरीके से निकलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। नाउ फ्रेंड्स एक बोनस क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों से पेपर 2 में पूछा गया था जुलाई में। तो देखिए ये भी आप लोगों को पता है, मतलब ये साइंस में पूछा गया था पेपर 2 के अंदर में, जो साइंस वाले बच्चे उनको याद होगा कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है बिल्कुल, अभी हमने देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से निकलता है। पैराफिन वैक्स भी निकलता है, कैंडल और जो हम वैसलिन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बिटुमिन जो रोड वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं वो भी निकलता है। लेकिन जो कोक है या जो कोयला है वो नहीं निकलता। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जिसको भी थोड़ा सा कंसेप्ट पता है वो बड़ी आसानी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। चलो क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को दोनों को सांप खाना पसंद है, जब हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खा लेते हैं। तो ये कहाँ के लोग होंगे बताओ जल्दी से, कम ऑन फास्ट, ये इजी क्वेश्चन है। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि हम बहुत लंबा लाइव सेशन यहाँ पर मैं ले रहे हैं। ठीक है, तो लाइव लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, बाद में कभी देख रहे हैं, वो लोग भी प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। हर बच्चे ने भी अगर एक बार शेयर कर दिया तो हमें बहुत खुशी होगी। आयुष सिंह जी, हमने मैप वाले क्वेश्चंस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। उसमें हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए अब तक पूछे हुए। वेरी गुड, तो फ्रेंड्स फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। हांगकांग के अंदर में सांप खाना पसंद किया जाता है, लिंग हू फेन जिसको कहते हैं। कश्मीर के अंदर में मस्टर्ड ऑयल में पनी हुई मछली, मस्टर्ड ऑयल जहाँ भी आया कश्मीर। ठीक है, कोकोनट ऑयल में बनी हुई मछली गोवा के अंदर में। टैपियोका इज इक्वल टू केरला, मैंने अभी आपको बताया टैपियोका मतलब केरला। उसके बाद में गुजरात, अहमदाबाद, ढोकला चटनी, लेमन राइस, ये तो सभी को पता ही होता है। फिर उसके बाद में बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है। ठीक है, और आसाम के अंदर में यहाँ पे देख लेना राइस, टी, पीठा, ये सब चीज़ें खाई जाती है। तो बस ये चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन हांगकांग से रिलेटेड था और हांगकांग आप देख सकते हो हमारे लिस्ट के अंदर में है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हांगकांग। चलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 15वें नंबर का क्वेश्चन है। साहिल खुरत जी बिल्कुल एग्जाम पास है। नीचे दिए गए शहरों में से किस में किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं, बताओ जल्दी से। कम ऑन फास्ट, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। थैंक यू रेनिका कोलेकर जी, बीना आर्या जी वेलकम। साहिल खुरट जी बिल्कुल, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बट टाइम की बड़ी कमी है यार। सुप्रिया द्विवेदी जी बिल्कुल, ट्रेन वाले क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि ट्रेन वाले क्वेश्चन वो करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर मुझसे पर्सनली अगर कोई पूछे कि सर उसको छोड़ना चाहिए या करना चाहिए, तो मैं उसको छोड़ने का ही सलाह दूंगा, समय बचाने के लिए, क्योंकि वो सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन समय बहुत लेता है वो क्वेश्चन। वेरी गुड, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अबू धाबी के बारे में पढ़ा हुआ है और आप लोग जानते हो कि ये क्वेश्चन अब तक यहाँ से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अबू धाबी के ऊपर में, मैंने किसी एक वीडियो में दोनों क्वेश्चन करवाए हुए भी है। तो अबू धाबी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है, पानी बहुत कीमती है यहाँ पर में, क्योंकि जब आप कुआं खोदोगे तो पानी नहीं मिलेगा आपको, आपको ऑयल मिलेगा वहाँ पर में नीचे में। ठीक है, तो कोई रिवर नहीं है, कोई लेक नहीं है, कोई पॉन्ड नहीं है वहाँ पर में, ग्राउंड वाटर भी नहीं है वहाँ पर में। ठीक है, तो वहाँ पर में ऑयल पाया जाता है, इसलिए पानी वहाँ पर में पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। अबू धाबी की करेंसी जो है वो दिरहम है, ये या आपको याद रखना है। वहाँ पर में अरेबिक भाषा बोली जाती है, अरबी बोली जाती है। रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से यहाँ पर में इस तरीके के सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, ठीक है, रेत के टीले पाए जाते हैं।
समझ गए आप लोग ये? तो कहाँ पाए जाते हैं यहाँ पर में रेत के टीले? अबू धाबी के अंदर में। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है, अभी अभी पूछा गया था जुलाई 2019 में। तो फ्रेंड्स आपका स्कोर क्या आया, ठीक है स्कोर क्या आया ये आप लोग मुझे बता देना, ठीक है देखना चाहता हूँ मैं कितने लोगों का कितना स्कोर आया है यहाँ पर में, और कमेंट सेक्शन में आप लोग आपका स्कोर भी लिखते चलिए। आप लोगों को आधे घंटे के बाद में यहाँ पर में जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कोई ज्वाइन करना चाहता है तो टेलीग्राम का नंबर ये है 8146207241, ठीक है 8146207241, या एडुटैप का नंबर है। अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर में कॉल करके भी पूछ सकते हो मंडे के दिन, लेकिन क्योंकि आज सैटरडे था, हाफ डे था, सब लोग जा चुके हैं ऑफिस से, ओके तो आप लोग मंडे के दिन 10 बजे के बाद में कभी भी कॉल कर लेना और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं आधे घंटे के अंदर में यहाँ पर मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है चलिए। अच्छा कोई यहाँ पर में मेरा नाम पूछ रहा था अभी ऊपर में गया तो, दानिश सर, ठीक है चलिए। आई होप नहीं, बिल्कुल सारा खान जी नहीं आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। वेरी गुड फ्रेंड, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं अगर किसी का कमेंट ना पढ़ पाया हूँ, झूम फार्मिंग आयुष सिंगल जी हमने क्वेश्चन कर लिया है ऊपर में, आप देखोगे तो एक क्वेश्चन हमने किया है। वेरी गुड, एम एच रहमान के 15 आए हैं, मोहम्मद रजा के 15 आए, दुलेल शेख के, रितिका वर्मा के 13 आए हैं। वेरी गुड फ्रेंड, जिनके भी 8-9 के ऊपर आए हैं वेरी गुड, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। हम ऐसे ही वीडियोज़ और लेकर आएंगे अगर आपका आपका यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, ठीक है तो आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पर मैं और ज़्यादा लाइक होने चाहिए थे, और ज़्यादा शेयर होने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं। अगर अभी भी आप लोग चाहते हो कि और ज़्यादा सेशंस हो तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है मैं थोड़ी देर के अंदर मैं आप लोगों को ये दे दूँगा, ठीक है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और कोई डाउट हो आपका तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी अगर से अश्लील भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है वो एडुटैप पे कभी भी कोई वीडियो कोई कमेंट नहीं कर पाएगा, वो कोई वीडियो नहीं देख पाएगा। तो कोई भी कमेंट रहे शालीन भाषा में करना है, हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय।